पुलवामा आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इस बीच भारत ने ये साफ किया है कि शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक के लिए वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को न्योता देंगे। इस बीच एक और खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान नेपाल में भी आमने सामने आ सकते हैं। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट। ऐसी संभावना है कि इस वर्ष भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों का कम से कम दो मौकों पर आमना सामना हो सकता है। पहला मौका है शंघाई सहयोग संगठन के नई दिल्ली में होने वाला शिखर सम्मेलन और दूसरा नेपाल में आयोजित होने वाला सागरमाथा संवाद। भारत ने पहले ही साफ किया है कि वो शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को निमंत्रण देगा, लेकिन अभी पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस निमंत्रण को स्वीकार करता है या नहीं। इस बीच नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली के हवाले से एक खबर आ रही है कि सागरमाथा संवाद मंच में शामिल होने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को न्योता दिया गया है। यदि दोनों देश इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं तो यहाँ ये संभावना बन सकती है कि दोनों नेताओं की मुलाकात हो। दरअसल नेपाल वैश्विक एवं क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए इस वर्ष अप्रैल महीने में पहला सागरमाथा संवाद आयोजित कर रहा है। नेपाली विदेश मंत्री ग्यावली ने कहा है कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है और पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस संवाद का विषय है जलवायु परिवर्तन, पहाड़ों और मानवता के भविष्य। नेपाल ने संवाद के लिए भारत और पाकिस्तान सहित सभी सार्क देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है। नेपाली विदेश मंत्री ने कहा, नेपाल को सभी क्षेत्रीय नेताओं की मेजबानी करने में खुशी होगी, ताकि क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर वो आपस में विचार विमर्श कर सकें। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस संवाद के दौरान भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आमने सामने होंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या उनकी मुलाकात होगी। इसकी संभावना कम लगती है, क्योंकि शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के भारत के प्रस्ताव पर अभी पाकिस्तान की ओर से प्रतिक्रियाएं आई हैं। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि दोनों नेता यहां आपस में मुलाकात करेंगे। यदि दोनों इस संवाद में शामिल भी होते हैं तो भी इस बात की प्रबल संभावना है कि दोनों नेताओं का कार्यक्रम अलग अलग समय पर होगा। हालांकि भारत ने अभी पाकिस्तान को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए कोई औपचारिक न्योता नहीं दिया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की ओर से जो इशारे मिल रहे हैं उससे ये लगता है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भारत नहीं आएंगे। लेकिन सागरमाथा संवाद में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के आमने सामने होने की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।